36 घंटे तक लोगों का नरसंहार वहां पे हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो उस दंगे को मिनटों में कंट्रोल कर सकती थी। 19 मस्जिदें शहीद हो गई, तो एक तरीके से ये सुनियोजित तरीके से है। होम मिनिस्टर अमित शाह को इस पे देश से माफी मांगनी चाहिए। दंगे अलग अलग तरीके से होते हैं, उसकी जाँच रिपोर्ट 22 साल बाद आती है। होम मिनिस्टर अमित शाह पर पूरा एक सवालिया निशान खड़ा होता है, तो रोक सकते तो क्या कहना इस पे आप? जाहिर सी बात है, दिल्ली के अंदर जो पूरी पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो जब वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो कि दिल्ली के अंदर 36 घंटों तक दंगा चल रहा था और आप राज्यसभा के अंदर ये कह रहे हैं कि 36 घंटों के अंदर दंगा को कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो उस दंगे को मिनटों में कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने उस दंगे को कंट्रोल कराने के बाद 36 घंटे तक लोगों का नरसंहार वहां पे हुआ है। तकरीबन 53 लोगों को जाने चली गई, 2 से 3 हज़ार लोग अभी भी बेघर हो गए हैं, कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, 2300 से ज़्यादा लोग उठाए गए हैं अलग अलग जगहों से, उसमें से किसी का भाई मर गया है, किसी बच्चे के ऊपर से बाप का सर का साया उठ गया है, उनके घर वालों को अब पुलिस उठा करके टॉर्चर कर रही है कि ये दंगाई थे। कोई अपने घर के अंदर 19 मस्जिदें शहीद हो गई, तो एक तरीके से ये सुनियोजित तरीके से है। होम मिनिस्टर अमित शाह को इस पे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर कोई और SIT वगैरह पे भरोसा हम नहीं कर सकते, वही हाल होगा जो अभी तक और दंगों में हुआ, जो नेली में हुआ, हाशिमपुरा हुआ, मलियाना में हुआ, भागलपुर में हुआ, और यही सारे जो दंगे अलग अलग तरीके से होते हैं उसकी जांच रिपोर्ट 22 साल बाद आती है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन पर, PFI के दो लीडर पर कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कपिल मिश्रा जिन्होंने दंगा भड़काया, अनुराग ठाकुर जो ऐसे बयान देते गोली मारो जैसे जैसे करके बयान देते, इन पर कोई कार्रवाई नहीं, UI+ सुरक्षा दे दी जाती है, तो आपको नहीं लगता मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा CAA का विरोध किया है वो मुस्लिम आवाम ने किया है, क्योंकि ये वजूद की लड़ाई का मामला था। हिंदुस्तान के अंदर ये जो कानून CAA बना, ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका फ्रेम है कि सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, उसके अगेंस्ट है कानून। अब अगर आप बनाएंगे तो आवाम का कानून होगा, ना कि वहाँ पे कभी भी जाति, धर्म, मज़हब के नाम पे आप कानून नहीं बना सकते हैं। उसी के विरोध को लेकर के अब जहाँ तक कपिल मिश्रा की बात है, वो सीधे सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सड़क हम खाली करवाएंगे। अनुराग ठाकुर जैसे लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ताहिर हुसैन, क्योंकि उसका नाम मुसलमान है और जितने भी दिल्ली के अंदर लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ठीक है, ये जाति मज़हब के नाम पे, ठीक है, उसकी पहचान के नाम पे अटैक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देश और भी कई सारी कठिनाइयों से जूझ रहा है, बैंक डूब रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन एक ऐसा कानून बना करके देश को एकदम बिल्कुल गड्ढे में ढकेलने की कोशिश हो रही है। संजय सिंह का ये भी कहना है कि जितने भी डिफाल्टर लोन यस बैंक से लिए हैं वो सारे भाजपा के से रिलेटेड है, वो भाजपा को फंड देते थे, इनका संसद में साफ तौर पे ये कहना है। जाहिर सी बात है, यस बैंक का जहाँ तक हमने स्टडी की है, ये सब इलीट क्लास के लोग हैं, उसमें गरीबों का भी पैसा शामिल है, छोटे मोटे रोजगार के व्यापारी जो हैं उसका भी पैसा शामिल है, तो कई तरीके के लोग हैं। अब उसमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि कौन BJP का है, कौन नॉन BJP का है, कौन UPA का है, कौन NDA का है। जाहिर सी बात है, इलीट क्लास के लोग वो तो सरकार से मिल जाएंगे, लेकिन जब भी कोई बैंक या कोई कंपनी डूबती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम गरीबों और मजलूमों का होता है। यस बैंक तो साफ कह रही है कि जो बैंक के खाता धारक हैं उन्होंने लोन लिया इसलिए बैंक डूबी, वो लोन ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए बैंक डूबी। तो जाहिर सी बात है, आप बैंक चला रहे हैं ना, तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए, कोई एक कंपनी आप चला रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी आपको बनानी होगी कि कितना हमें लोन देना है ताकि हमारा जो मुनाफा है, ठीक है, वो मेंटेन हो सके। आप जो है क्या नाम है, आपके पास पैसा नहीं है, लोन देते चले जा रहे हैं, पता चला वो भुगतान नहीं कर रहा है, तो भाई और सारे प्रोसीजर है उसकी, जिस बेसिस पे उसने लोन दिया है उसकी प्रॉपर्टी आप जब्त कीजिए। लेकिन जो लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के खाता धारक है उनका कहना हमें आसानी से लोन मिलती नहीं है, मिलती भी है तो पैसे देने पड़ते हैं तब जाके लोन, जितने भी बिजनेसमैन है उनको लोन दिया जा रहा है। ये हुई बात ना, क्योंकि
इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो सताया जा रहा है वो गरीब मजदूर शोषित वंचित को सताया जा रहा है। एक गरीब अपना हक नहीं इजीली ले सकता है बिना बिना जो है पैसे दिए या बिना जो है किसी अधिकारी को घूस दिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। चलिए शुक्रिया बहुत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।